हेलो, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 1.6 के बारे में, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी होने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। और क्लास 9th की एनसीईआरटी का 1.6 के अंदर जो कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जो आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, बस आपको कुछ को रिवाइज करना है और कम्प्लीटली ये एक्सरसाइज इसी के बेस पे सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ प्रोडक्ट के रूल पढ़ लेते हैं कि ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई रहेगी तो यहाँ पे प्लस होना है, अगर डिवाइड होगा तो माइनस हो जाएगा। ए की पावर एक्स की पावर वाई रहेगी तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। अब कुछ प्रोडक्ट रूल्स देख लेते हैं कि पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या होता है। तो पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल की अगर बात करें तो अगर ए बी की पावर एक्स है तो दोनों अलग अलग भी फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। डिवाइड एफ, तो फ्रैक्शन रूल ये कहता है कि ए की पावर एक्स अपॉन बी की पावर एक्स भी हो सकता है। और किसी भी नंबर्स की पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर हमेशा वन होता है। अब निगेटिव एक्सपोनेंट की बात करते हैं तो निगेटिव एक्सपोनेंट जो होता है वो कम्प्लीटली इस चीज़ को बताता है जिसके अंदर कि ए की पावर अगर माइनस एक्स होती है तो वन अपॉन एक्स होता है। अगर फ्रैक्शन एक्सपोनेंट की बात करूं तो यहाँ पे ये चीज़ बताते हैं हमेशा कि ए की पावर एक्स अपॉन वाई है, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए की पावर एक्स और वाई लिख सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली हमें चीज़ें बताती हैं कि मतलब कैसे हम किसी फ्रैक्शन के एक्सपोनेंट को, निगेटिव एक्सपोनेंट को और जीरो एक्सपोनेंट को, पावर ऑफ फ्रैक्शंस, पावर ऑफ प्रोडक्शंस रूल और पावर ऑफ रूल, इन सब चीज़ों को हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिनके बेस पे हम लोग आने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जिसके बेस पे हम लोग 1.6 को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या बोला गया। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की माय डियर फ्रेंड्स, तो आप जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर दिया गया है। कोई कुछ भी क्वेश्चंस के अंदर कुछ हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि 64 की पावर 1/2 दिया गया है, तो हम सिंपल सी बात है कि 64 को हम लोग 8 की पावर 2 लिख सकते हैं और 8 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं इसकी कंप्लीट पावर है 1/2। और 1/2 है तो अब क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने बताया था कि मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 8 की पावर 1 यानी कि क्या 8 आएगा आंसर। वैसे ही 32 की पावर 1/5 है, 1/5 है इट मीन्स 2 की पावर 5 लिख सकते हैं तो इसका आंसर 2 आएगा। वैसे ही 125 है, 5 की पावर 3 यानी कि इसका आंसर क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ उसी की जैसा है जिसके अंदर बोला गया है कि फाइंड करना है 9 की पावर 3/2। अब 9 की पावर 3/2 दी गई है, 9 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व आउट करेंगे, हम लोग सॉल्व आउट करेंगे 9 की पावर 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब 3 की पावर 3 होगी यानी इन द सेंस क्या हो जाएगा, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा लेकिन जब 3 की पावर 3 होगी ना तो यहाँ पे 27 आंसर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर 3 तो यहाँ पे 27 आएगा आंसर। ओके, अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की जिसके अंदर दिया गया है कि 32 की पावर 2/5, तो 32 से 5 तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो क्या जाएगा 4 आंसर आएगा। अब वैसे ही 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 8 आएगा। अब मैं बात करता हूँ 125 की, तो 125 के अंदर क्या है, माइनस का 1/3 है। अब माइनस का 1/3 है तो माइनस का 1/4 आएगा यानी कि 1/5 इन द सेंस आंसर क्या आ जाएगा इसका, इनवर्स में 1/5 ही इसका आंसर आने वाला है। तो अब मैं बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन की, कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का अगर मैं बताऊँ, सिंप्लीफिकेशन का फंडा बहुत सिंपल है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो इन पावर को हम लोग प्लस करेंगे यानी कि इनको एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर सॉल्व करने के बाद 2 की पावर 13/15 आएगा। वैसे ही नीचे वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है सेम वैसे ही करेंगे, माइनस 3 कर सकते हैं और माइनस 3 करेंगे तो ये -21 आएगा आंसर इसका। वैसे 11/1/2 अब दोनों को माइनस कर देंगे और माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 11^1/4 आएगी। मल्टीप्लीकेशन है तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की अगर पावर सेम है। केवल हमें फॉर्मूलों का यूज़ करना है, फॉर्मूले का यूज़ करके इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज थी 1.6 के बारे में। तो उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये 1.6 का जो कंप्लीट लेक्चर है आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।